दही राइस तो आपने सुना ही होगा, पर उसी का एक वर्जन हम बना रहे हैं, दही किनोआ। किनोआ बहुत ही हेल्दी होते हैं एंड इट इज फुल ऑफ प्रोटीन्स, और ये ग्लूटेन फ्री भी होते हैं जो वजन घटाने के बहुत काम आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे स्वेच्छा प्रीमियम किनोआ सीड्स। किनोआ को अच्छे से 3 से 4 बार धो लेंगे जब तक कि इसका पानी क्लियर ना हो जाए। किनोआ को छान लेंगे। जब तक किनोआ सोख हो रहा है हम पानी गरम कर लेंगे। पानी गरम हो गया है, अब इसमें किनोआ डालेंगे। किनोआ को 15 मिनट के लिए पका लेंगे। यहाँ मैंने किनोआ को कढ़ाई में कुक किया है, अगर आप चाहें तो इसे कुकर में भी पका सकते हैं, वैसे ही जैसे हम राइस पकाते हैं। किनोआ अच्छे से पक गया है जैसे आप देख सकते हैं। किनोआ पूरी तरह पक जाने के बाद एक्स्ट्रा पानी को छान ले। अब हम लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे RCM हेल्थ कार्ड राइस ब्रान ऑयल। ऑयल को अच्छे से गरम कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई मिर्ची, सिंगदाना और बारीक कटे हुए प्याज। इसे अच्छे से मिला लेंगे जब तक के प्याज पक ना जाए। जब तक प्याज पक रहा है हम बोल में लेंगे दही और उसमें डालेंगे पका हुआ किनोआ। दही और किनोआ को अच्छे से मिला लेंगे। प्याज अच्छे से पक चुका है, अब हम इसे ट्रांसफर करेंगे किनोआ बोल में। अब ऊपर से डालेंगे ककड़ी, कटा हुआ टमाटर, ग्रेटेड कोकोनट और अनार। किनोआ सभी उम्र के लोगों के लिए बेहतरीन अनाज है जो श्रेष्ठ गुणों से भरपूर है। ऊपर से डालेंगे नमक, काली मिरी पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऊपर से हम इसे गार्निश करेंगे धनिया से। ये डिश बहुत ही टेस्टी है और आपको भी जरूर पसंद आएगी, तो इसे ट्राई कीजिए।